नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत मु मंदाकिनी प्रथम देखिबा हेडलाइंस वेलमार्क लो प्रेशर रे परिणत हैला बंगोपसागर रे सृष्ट लघुचाप आज 17 जिले में प्रबल बर्षिब 8 जिला को ऑरेंज एवं 9 जिला को येलो वार्निंग जारी राज्य में 24 घंटे 649 पॉजिटिव खोर्धार सर्वाधिक 235 क्वारंटाइन 381 और लोकाल केल 268 18 वर्ष कम संक्रमित संख्या 103 पुणी 6 जीवन नेला महामारी मुहांमुही धक्का हेबा परे घर को माड़गला दुई ट्रक ब्रह्मपुर लांचिया गांव में दुर्घटना दुई ड्राइवर गुरुतर अल्पके बर्तिले लोके क्षतिपूरण दाबी में ब्रह्मपुर दिग पहंडी मुख्य रास्ता अवरोध आज सारा देश में होब नीट यूजी परीक्षा कोविड गाइडलाइन मध्यरे होइछि स्वतंत्र व्यवस्था 3862 केन्द्र में परीक्षा देबे 16 लाखरु अधिक छात्र छात्री इस्तफा देले गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपानी कारण अस्पष्ट प्रेस मीट करी कहिले एहा एक स्वाभाविक प्रक्रिया सेपटे आज बसिबो बीजेपी विधायक दल बैठक मुख्यमंत्री रेस रे नितिन पटेल को ना आगे थिबा चर्चा शांति कमिटी रे अशांतिर झड़ किछि सदस्यों इस्तफा पर कमिटी भांगिबा दाबी रे ठेलापेला ओडियांक भावावेग बुझु नथिबा अफिसरक उपरे बर्सिले पूजा कमिटी सदस्य नतमस्तक बीजेडी नेता 16 तारीख भितरे निष्पत्तिर पुनर्विचार पाई दाबी एवं विजु स्वास्थ्य गुमर खोलीजा भयरे ऑफेंसिव बीजेडी भावमूर्ति बंचाइबाकु बीजेडी नेतांक विभ्रांतिकर बयान एबे जनता पचारुछि प्रश्न दुष्मंतंक मां सत ना बीजेडी नेता आसबाबे संपूर्ण खबर को धौली रे डेलीवरी बॉय को अपहरण अभियोग गतकाली राति रे घटिछि ही घटना सुगी डेलीवरी बॉय कर चप्पल बैग गंजी एवं एक छुरी दया नदी रास्तारे पड़ा पुलिस पक्षर सूचना मिली परिवार लोकों से भयस मेसेज रे अपहरण होने सूचना देखते धौली थाना एने स्त्री अभियोग डेलीवरी बॉयर घर धौली थाना विजयनगर अंचल बोली जमापड़ अभियोग पर तदंत करुछि धौली थाना पुलिस ए संपर्क में अधिक सूचना देवाई आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती आम प्रतिनिधि संतोष जेना संतोष किए से ही डेलीवरी बॉय एवं तांकु काहीं अपहरण करा जाई बोली परिवार संपर्क परिवार सदस्यों तरफ किसी सूचना मिली कि देखो निश्चित भाव मंदाकिन सब बड़ कथा हूँ लगातार भाव में या पूर्व आप देखिथे जो डेलीवरी बॉय कर मृत्यु कहुला जे अत्यधिक निशा कारबार मृत्यु होती जिते डेलीवरी बॉय पुणी गोटे घटना सामनाक आसुच्ची घटना को ये गुरुतर सुनवा को समस्ते बाध्य होती जे घटनास्थल में चप्पल एवं गोटे छुरी और तार ब्याग सब छाड़ दी जिनस को पुलिस जबत कर आउ गोटे कथा हूँ जे जे संपृक्त जे पत्र पावन पृष्टि रही जो डेलीवरी बॉय परिवार लोकों को सीधा सड़क फोन करी वॉइस मेसेज रे धमक दिखाई जे पतित पावन पृष्टि को अपहरण कराऊ अर्थात तो अपहरण पचरे के थाई पारे एवं अपहरण कथा सत नहले केबे भी काकु धमक दि जाइ नथांता किंबा कोनोसी प्रकार तांकु डरेबाकु चेष्टा करै नथांता किंतु लोकंकर डिमांड कोन अछि एवं जे अपहरण करछि तार उद्देश्य कोन एवं से कोन चाहौछि एवं तत्त्वित पावन पृष्टि को अपहरण करिया पई से काहि चेष्टा कला एवं ताटु किछि तार स्वार्थ हासिल करिया करछि कि ये सब दिग को पुलिस वर्तमान लुचे रखार कारण अछि जे तदंत प्रक्रिया रे जदि बाधा उपजे अर्थात ये कथा जदि प्रकट हुए ताले अपहरणकारी को पाखरे पुलिस को पहुंचा को कष्ट हबो धौली पुलिस रे एक स्वतंत्र टीम वर्तमान पतित पावन पृष्टि को खोजा पई वर्तमान लागि पड़िछि अर्थात जो जगह रे बैग पड़िछि चप्पल पड़ी गोटे छोरी जबत जो नंबर रु जो व्हाट्सएप रु पाखक मेसेज कल आसुची से सब को ट्रैक करिबा एवं स्थानीय जो अंचल स्विगी सहित जोगाजोग कराउछि जो जो जगह को से डेलीवरी दवाई जाइंट शेष थर से कौट डेलीवरी देते कुआर जाऊ कहीं घर विजयनगर
ଏବଂ ସେ ଆଖପାଖର ସିସିଟିଭି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଅପହରଣକାରୀର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବୟକୁ ଅପହରଣ କରି ସେତିକି ବଡ଼ ଆକାରରେ ରକମ ଉଠେଇବା ବହୁତ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ, ତ ୟା ପଛରେ ଅଲଗା କିଛି କାରଣ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କିଛି କାହା ସହିତ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ରହିଥିଲା କି ସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ମା, ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ପୋଲିସକୁ ଏ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସେ ଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲେ, କିମ୍ବା ଡେଲିଭରି କାମ କଲାବେଳେ କୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ହେଇଛି, କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ଘଟଣା ଥାଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଅପହରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେଇଛନ୍ତି, ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ସବୁ ଘଟଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଘଟ କରୁନି, ହୁଏତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବ ଏ ନେଇ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ। ମନ୍ଦାକି ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି କରୋନାରେ ମଧ୍ୟ ଡେଲିଭରି ବୟ ମାନେ ମଦ ଡେଲିଭରି କରୁଥିଲେ, ତେବେ ନିଶା କାରବାର ୟା ପଛରେ ଥାଇପାରେ ବୋଲି କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି? ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କିଛି କୁହାଯାଉଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନାକିନ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡେଲିଭରି ବୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୋରା ମଦ କାରବାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ୍ସାଇଜ କୁହନ୍ତୁ, ପୋଲିସ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ମାରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାପା ମାରି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମଦ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଥାଇପାରେ ଏବଂ ନ ଥାଇପାରେ ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରକାର କହି ହେବନି, କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଘଟଣାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ତୁ ତୁମେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପଚିତ ପାବନ ପୃଷ୍ଟି ଅପହରଣ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆପଣ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, କିଏ ସେହି ଡେଲିଭରି ବୟ ଏବଂ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ। ଆସିବା ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ବିଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ନିର୍ଯାତିତ, ବାହାରିନ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଦେଶକୁ ଏବଂ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଲୁଗାଁ, ବାଣପୁର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ ସେଠାରୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନେ ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ତାହା ପାଳନ କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବାଦ କଲେ କାହାକୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଛି, ତ ପୁଣି କାହାକୁ ତଣ୍ଟି କଟାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବାକୁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ସେପଟେ ଚିଲିକାର ସୁବୁଦ୍ଧି ପାଟଣା ଗାଁର ପ୍ରୀତମ ନନ୍ଦ ବାହାରିନ୍ରେ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିବା ସହିତ ନାକାବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 7 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ କାମ ଆଶାରେ ସୁଦୂର ବାହାରିନ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ। 10 ଘଣ୍ଟା କାମର ପାରିଶ୍ରମିକ ସହିତ ଖାଇବା ପିଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ 14 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରାଗଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଏବେ ବି ସେଠାରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଅନଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ଚିଲିକା ପ୍ରତିନିଧି କାହ୍ନୁ ଚରଣ ବେହେରା। କାହ୍ନୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବାହାରିନ୍ରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିପାରିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସେ ଚିଲିକା ବାଲୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରୀତମ କୁମାର ନନ୍ଦ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ଓ ନିଜ ପରିବାରର ପେଟ ପାଟଣା ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ନିଜ ବିଟାମାଡି ଛାଡି ଦୁବାଇ ସ୍ଥିତ ବାହାରିନ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ଏହି ଶ୍ରମିକମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଅଧିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବି ଠିକ ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯଦି ଏମାନେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି କି ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ନିର୍ଯାତିତ କରୁଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ବି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ତଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ କାଟିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ପ୍ରୀତମ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କାହ୍ନୁ, ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦାକିନୀ, ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ତତ୍ପରତା ଦେଖେଇଛି, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକି ଫେରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଆର ଆମ୍ବାସୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକି ଆଣିବେ। ମନ୍ଦାକିନୀ, ତେବେ କେତେ ଜଣ ପାଖାପାଖି ଯୁବକ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିଛି କି? କାହ୍ନୁ, ପରିବାର ତରଫରୁ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଯେ 15ରୁ 20 ଜଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରମିକ ସେଠିକି କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦାକିନୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାହ୍ନୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।
ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହେଲା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ। 2-3 ଦିନରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 3 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି 17ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ରହିଛି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ୍ର ରୂପ ନେବ। ଏବଂ ଅଧିକ ସୂଚନା କ'ଣ ରହିଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ? ତେବେ ପାରାଅଲମ୍ପିଆନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। मुझे ये थोड़ा टच कर गया जब आपने ये कहा कि मैं अपना ये कोरोना वॉरियर्स को डोनर डिवोट करता हूँ। ये भाव कैसे आया सर? मतलब उन्होंने अपना पूरे दिन रात सुबह शाम, मतलब यहाँ तक कि खाना पीना तक छोड़, सब लोग हेल्प में लगे हुए हैं। सो बहुत बड़ी बात है सर ये सब, मतलब वजह से ये पैरालंपिक ओलंपिक और जो भी हो रहा है अभी देश में ऑल ओवर वर्ल्ड में, उन्हीं की वजह से इतना हो पाया है और उन्हीं की वजह से आज ये मैडल। बहुत अच्छा मैसेज गया है आपके, इसके कारण एक नया माहौल लगता है। भाई, हमारी खिलाड़ी भी देश के लिए, समाज के लिए सोच रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सर, फादर, कोचेज और फैमिलीज जो सपोर्ट करा, उनका तो बहुत बड़ा हाथ है सर। लेकिन कोविड वॉरियर्स लिए क्या, कहाँ का कार्यक्रम बना रहे हो? सर, माता पिता और साथ में मेरी जॉइंट फैमिली है सर, छोटी, तो कोशिश है सर जल्दी फ्री होके फैमिली के साथ एक टूर पर जाना है, क्योंकि सर मेरी मम्मी आज तक कहीं नहीं गई है ना, पापा कहीं गए हैं, इतना देखा सबको एक साथ माना जरूर है। थैंक यू सर। मनोज नमस्कार सर, और सर वहाँ से निकले और उत्तराखंड का पहला मेडल लाना सर मेरे लिए गर्व की बात है। और जब आपने मुझे अनाउंसमेंट से पहले ही कह दिया कि आप देवभूमि उत्तराखंड से हैं, तो सर मेरे अपने आप रोंगटे खड़े हुए थे कि सर पूरा वर्ल्ड आपको सुन रहा है और वहाँ पे उत्तराखंड का नाम आ रहा है, तो ये मेरे लिए सर गर्व का। आपको विशेष बधाई मेरी तरफ से। सर, आपका लाइफ स्टोरी जो है सर, चाहे वो स्टोरी हो, मनोज का स्टोरी हो, कृष्णा का स्टोरी हो, यहाँ जितने जितने हीरोज बैठे हैं सर, उन सबका स्टोरी को देख लें। और पैरेलल में सर, अगर आपका स्टोरी एज अ प्राइम मिनिस्टर देख लें सर, योर सिटी, फ्रैंकली स्पीकिंग सर, वो भी कम मोटिवेशनल नहीं होगा सर उसके लिए। तो हम सर वो आप देख, मैं केरला से हूँ, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। मैं केरला से, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है। आई एम वेरी हॉनर्ड टू बी हियर विद यू। थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर। देखिए, पूरे केरल को गर्व है इस बार तो, हॉकी में भी केरल ने अपना डंका जमाया। तो सुभाष जी, बताइए कोच की बड़ी इस बार गवल है जी। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरीके से आपने आने से पहले मोटिवेट किया पूरी टीम, यानी आपके साथ आपका पॉजिटिव इंपैक्ट गया। और ये क्योंकि जब आप खेलने जाते हो तो एक प्रकार से आप भारत के एम्बेसडर होते हैं, आपको लोग देखते हैं तो भारत को देखते हैं, और उसमें जो भी आप करते हैं, और मैंने देखा है कि सबके लिए, जितना भी मेरी तो मेरा जापान के लोगों से थोड़ा परिचय जरा ज्यादा ही है, तो बताते रहते हैं। और रुबीना, इट्स वेरी ऑनर टू मीट यू, एंड आपके जो आपने इतना मोटिवेट किया है हमें, बहुत ज़्यादा उसे पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, ऐसी प्लीज़ मोटिवेट करिए। इस बार नहीं आया, बट नेक्स्ट टाइम श्योरली वी विल डू दिस। आप दिमाग से निकाल दीजिए, yeah. आपको मेडल मिला है कि नहीं मिला है, ये दिमाग में बिल्कुल, इसको आप दिमाग में ये रखो, नेक्स्ट
वरना है हो गया सर, पाया है तो भी ज़्यादा उसमें फंसे मत रहो, खोया है तब भी मत मत बनो, वहाँ तक आप पहुँचे यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक है, मैं अम्बाड़ा से हूँ और मैं तो आपसे बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहता हूँ, क्योंकि आपने जब आए तो सबसे पहले लोग विकलांग बोलते थे और आपने उसके ऊपर स्पेशली लिखा कि भाई दिव्यांग बोलिए, एक ऐसा सम्मान दिया जो कभी किसी ने नहीं दिया था, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर मैं करीबन 13 साल से हूँ पैराशूटिंग के साथ और मैं शूटर्स को कह रहा था तुमने तो एक एक कलर लिया है, मेरे पास तो सारे हैं कि 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज हैं, तो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज तीनों के तीनों, तो बहुत खुशी हो रही है कि इन लोगों के लिए कि जो है ये लोग जितनी मेहनत किया था इन्होंने उसमें सफल भी रहे। एक वाक्य जो मैं आपके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा कि आपकी पॉपुलरिटी मतलब हर हर जगह है। मुझे याद है कि जब इनके मेडल सेरेमनी के बाद हम लोग इनको जो है इंटरनेशनल मीडिया के पास ले जाना पड़ता है, वो उनका प्रोटोकॉल है, तो मैं उनको इनको रोक लेता था कि रुक जाइए अभी प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आने वाला है, तो मुझे याद है कि किसी ने बोला कि व्हाट अ एक्सक्यूज़, पर बगल में ही किसी और ने उनको रोका, बोला नहीं ये सही बोल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रधानमंत्री का इवन बाहर के प्रति भी जो है बाहर के मतलब सभी लोगों को ये पता है कि इनके साथ हैं वो, और जब एक मुझे लगता है आप प्रमुख हैं हमारे, तो प्रमुख का विश्वास और प्रमुख की गाइडेंस रहती है, तो मुझे लगता है कि हमें तो अच्छा करना ही पड़ेगा और हम अच्छा करेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा करना ही पड़ेगा, नहीं आप अच्छा करते ही हैं। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, 10 मीटर में मैं रह गया लेकिन अगली बार मैं इससे भी बेस्ट दूंगा और देश के लिए इससे भी अच्छे मेडल ले पाऊंगा। आप लोगों के इस अचीवमेंट का सबसे बड़ा परिणाम समाज जीवन पर होने वाला है, पारिवारिक जीवन पर होने वाला है। माँ बाप को लेकर हाँ बच्चे को खेल में इंटरेस्ट है तो खेल ले, उसको मदद करेंगे, गाइड करेंगे, एक बड़ा कल्चर पैदा होगा। चलो भाई, आपका परिवार को तो बहुत प्रसन्न नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपके आशीर्वाद का सर है सर, रियलिटी में आपने वो काम कर दिखाया जो देश की आज़ादी के बाद नहीं हुआ, आप लोगों ने करके दिखाया। आपने 5 दिन में देश के खेल को जन जन तक पहुंचा दिया है और इसके लिए मैं आपको सलूट करता हूं सर, लगता है कि हम राम राज में रह रहे हैं। आप लेटर एज में खेल कूद में आए सर, जो प्यार देश में आपने देश में जो प्यार जो मीडिया से इस समय मिल रहा ना वो कभी नहीं मिला, इसके लिए मीडिया और आप धन्य है सर। चलिए आप सबों को बहुत शुभकामनाएं मेरी। सतपाल जी बताइए। चलिए हम तो कोचिज से इस बार ज़्यादा जानना चाहते हैं। जी सर, हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा एथलेटिक्स में और मैं अपना एक्सपीरियंस एक छोटा सा शेयर करता हूँ आपके साथ। सर मैं 2004 में अपना एजुकेशन पूरा करके एथलेटिक्स में ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा मेरे स्टेडियम में कुछ दिव्यांग एथलीट आते थे, मैंने उनको ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया, तो मुझे ये लगा कि ये लोग ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, मैंने इनके साथ काम करना स्टार्ट किया। 2004 में देवेंद्र झाझड़िया जी ने गोल्ड मेडल जीता था लेकिन हिंदुस्तान में उनको इतना कोई जानता नहीं था, और आज हमने 2005 से स्टार्ट किया कोचिंग करना, आज सब दिव्यांग एथलीटों को जानते हैं। मैं इन उपलब्धियों के लिए सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। खिलाड़ियों को अपरोक्ष रूप से बहुत सारी सहायता मिलती है, पर परोक्ष रूप से उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो जब इस मुकाम पर आते हैं और यहाँ आकर बैठते हैं तो पूरा देश उन्हें जानता है, मीडिया उन्हें पहचानती है, तो यह सम्मान दिलाने के लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिव्यांगजनों को कोचिंग करना ये सिर्फ शारीरिक क्षमता से जुड़ा हुआ विषय नहीं, सिर्फ खेल की टेक्निक से विषय से भी आगे आपको उसकी हर मन की रचना को आपको एड्रेस करना पड़ता है, और इसलिए मुझे लगता है कि एकाध बार जो दिव्यांग जनों के कोचिज हैं उनका एक वर्कशॉप करना चाहिए, उनके अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्होंने अलग, और मैं तो मानता हूँ कि अच्छी किताब बन सकती है, एक अच्छा गाइड आप तैयार कर सकते हैं कि भाई हम इस प्रकार से इनको ऐसी समस्या तो ऐसे हैंडल करना चाहिए, निराशा आई है तो ऐसे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ों को हैंडल किया होगा,
कभी कभी माँ बाप को भी गाइड कर सकते हैं आप, एक अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार हो, क्योंकि मैं बहुत माइन्यूटली देखता हूँ कि सरल काम नहीं है जी। राम राम सर, मैं कशिश लाकड़ा हूँ और मेरी एज 17 ईयर्स है और मैं पैरा एथलेटिक्स 3 साल पहले आई थी और अब मैं अपनी सर की मदद की वजह से, जो सर ने मेरे को सपोर्ट करा मेरी फैमिली ने, तो मैं इंडियाज यंगेस्ट पैरालंपियन बन पाई और मुझे आपसे मिलने का मौका मिल पाया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी अपना। जब आप 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, मैं उस टाइम पे 11.5 साल की थी और मैं इतनी खुश हो गई थी आपको देख के, तो मैं भाग के अपनी मम्मी के पास गई जब मैं ठीक थी, तो मैं बोलती मेरा वो बचपना था, तो मैं बोलती कि मेरे को इन दादा से मिलवा दो और मुझे इन दादा से मिलना है कि ये देश को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो मम्मा ने बोला कि ठीक है, पर पहले कुछ करके दिखा जो उनसे मिलना है। तो सर मैंने 7 साल वेट किया आपसे मिलने के लिए 2014 से लेकर, और आज मेरा आप सपना पूरा हुआ आपसे मिलने का। जो बच्चे होते हैं ना, वे जब कुछ भी बोलते हैं तो एक प्रकार से वो भगवान की आवाज होती है। तुमने 11 साल की उम्र में जो बोला वो तुम्हारी सोच नहीं होगी, कोई ऐसा संकेत होगा और वही आशीर्वाद बन गए मेरे लिए। मेरा भी सपना है सर, मैं रियो में 6th रहा था, अब मैं 5th हूँ, तो कभी ना कभी मैं मेडल जीतूंगा और आपसे मेडल के साथ मिलूंगा, ये मेरा सपना है। ये तो मेरे लिए सर पैरालंपिक अचीवमेंट नहीं थी, गांव में जब मैं आपसे मिल के घर गया तो सब ये कह रहे थे ये पीएम साहब से मिल के आया भाई, ये नहीं उनको ये था कि ये रियो पैरालंपिक का हिस्सा बन के आया, वो कह रहे थे ये पीएम से मिला है भाई, ये अच्छा आदमी। थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो आपने मुझे मतलब इतना रेस्पेक्ट दिए बुलाया और सपोर्ट किया है, मेडल से चूक गया गोल्ड से एक जंप की वजह से, पर नेक्स्ट टाइम मेरा टारगेट रहेगा कि गोल्ड ही लाना है अपने देश के लिए। मैं चाहता हूं कि पोडियम पर मेरा राष्ट्रगान बजे और मैं बस मैं इस ये जो जिद है ना, इसका तो बड़ा महत्व है, जिद होनी चाहिए कि मैं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, लेकिन अभी जो हुआ उसमें कुछ कमी रही, कुछ तकलीफ हुई, इसको बोझ मत बनने देना, बिल्कुल मत बनने देना। हाँ शरद सर, अब मैं आगे का गेम फुल टेंशन फ्री होके खेलूंगा, अब मैं अपना स्पोर्ट्स जो मेरा पैशन है उसके तहत खेलूंगा, जो वो खो गया था स्ट्रेस में, जैसे आपने बोला एग्जैक्टली, वो स्ट्रेस में हम लोग ना जो मेन पसंद है गेम वो फिनिश हो जा रहा था, अब मैं एक्चुअली उसको रिपीट करना चाहता हूँ। मैं अपना हाई जंप जो T63 है पैरालंपिक्स में, इसको बहुत मेन फोकस मानते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि पब्लिक को दिखाऊं कि ये हम लोग कैसे एक आर्टिस्ट है और एक आर्ट कर रहे हैं। एक वो कहावत है कि शायद प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पे यही है। लास्ट टाइम 19 एथलीट गए थे खेलने के लिए, इस बार 19 मेडल आए हैं, तो कह सकते मतलब पैरा स्पोर्ट्स किस लेवल पे चला गया है, ये कोई वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। और सर मैं ये पूछना चाहूँगा सर आपसे, जैसे हम लोग बड़ा एक्साइटेड रहते हैं जैसे आपसे मिलने के लिए, थोड़ा नर्वस भी थे, एक्साइटमेंट भी रहता है, आप जैसे आप भी कंट्री को किसी इवेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं, तो आपके मन में क्या चलता है सर, आप कैसे उस कंडीशन को हैंडल करते हैं? मेरा बैकग्राउंड बहुत आप जैसे ही एक सामान्य परिवार का है, और बचपन में तो कभी स्कूल के प्रिंसिपल भी अगर नाम से बुला देते थे तो अब वाह नाच उठते थे कि प्रिंसिपल को मेरा नाम मालूम है, तो ये जीवन की खुशी तो रहती है, हर एक रहती है। लेकिन जब मेरा सार्वजनिक जीवन का दायित्व बना तो एक प्रकार से मैंने अपने आप को भुला दिया, मुझे कभी ये कोई नरेंद्र मोदी या कोई गांव से आया हुआ इंसान कुछ सब दिमाग से निकाल दिया। जब गुजरात में काम करता तो मेरे मन में रहता था भाई मैं नहीं हूँ, 6 करोड़ गुजराती हैं, ये मेरे मन में रहता है। और अभी दुनिया के किसी भी लीडर को मिलता हूँ तो मुझे ये नहीं लगता है कि मैं मिलता हूँ, मुझे ये लगता है कि 130 करोड़ देशवासी, और उसके कारण मुझे कभी इंफीरियरिटी नहीं होता है, कोई बड़ा एक्साइटमेंट भी नहीं होता है। जैसा मैं आपको कहता हूँ आप अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए,
मैं भी मन में रखता हूँ, मैं मेरे देश की बात बड़ी ताकत से करूँगा, बड़े विश्वास से करूँगा, तो यही भाव है और क्या है। आपकी सर मेमोरी बहुत शार्प है सर, आप एकदम याद कैसे रख लेते हैं? जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो फिर आपको याद नहीं रखना पड़ता है। जैसे मैं देखता हूँ आपके कई खिलाड़ी हैं जिनके पूरी परिवार से मैं जुड़ गया, परिवार के हर व्यक्ति से बात कर ली हूँ, उनके परिवार जनों के पीछे में पूछ लिया है, उनके प्योर परिवार के जीवन में कभी कोई बीमार हो गया ये हुआ, तो एक प्रकार से जिसको कहें अपनापन हो जाता है, उसका एक आनंद अलग होता है, फिर आपको याद नहीं रखना पड़ता है। सर आपने बहुत इंस्पायर किया, मोटिवेट किया हमारे प्लेयर्स को, और जिसकी वजह से हमारे प्लेयर में जो कॉन्फिडेंस था वो इतना हाई लेवल का कॉन्फिडेंस था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई सॉ दैट ईच एंड एवरी प्लेयर ही परफॉर्म दिस बेस्ट। ज़्यादा दिव्यांगता की श्रेणी में महिलाओं ने व्हीलचेयर पे होते हुए, एक बहुत मुश्किल शरीर में होते हुए भी देश के लिए बड़े बड़े मेडल जीते हैं, तो इसका भी जो बेटियां हर क्षेत्र में कमाल कर रही हैं, सिर्फ उनको आपकी जो प्रेरणा मिलना चाहिए, आपकी जो प्रेरणा रही सर बेटियों के प्रति, उसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद। बेटियां हर क्षेत्र में अच्छा कर रही है जी, आप देखिए पूरे देश में किसी भी क्षेत्र में देखिए, सिर्फ उनको उनको अवसर मिलना चाहिए बस। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम पूरी टीम की तरफ से कि आपने हमें इतना मान सम्मान दिया, और सिर्फ मेडलिस्ट को नहीं, जो हम जैसे खिलाड़ी जो मेडल नहीं ला पाए उनको भी इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्ते सर, मेरा नाम नवदीप है सर, सर मैं भी जेवलिन थ्रो करता हूँ सर। बर्तन पे बुलेटिन को एट रखिएगा, नमस्कार।